आप कैसे पहुंचे तमाशा तक? तो आपका तो काम, इतने काम चल रहे थे वो सब कंप्लीट करवाए, क्या किया? अच्छा सो मुझे आई गेस 1-1.5 महीना पहले कॉल आई थी तमाशा के लिए, एंड मैंने एकदम से लाइक ऑब्वियसली ना कर दिया। मैंने कहा यार मैं तमाशा में जाके क्या करूँगा, मैंने क्या ही तमाशा करना है, मेरे जैसा बंदा चुपचाप रहने वाला। अब नहीं रहा चुपचाप इतना, बट मैं आपको पता है मैं था चुपचाप सा, बट खैर वो आया तो इसी वजह से क्योंकि डर था कि यार मतलब क्या ही करूँगा जाके, मैंने वो कर दी। उसके बाद आई थिंक 1-2 बार करने के बाद मुझे हिरा ने बोला कि यार मतलब क्यों नहीं अपने आप को तुम ट्राई करते, और एक अच्छी बात यह है कि आप एक हाउस होल्ड नेम बन जाओगे। तमाशा देखते हैं, पाकिस्तान पूरा देखता है, पूरी दुनिया देखती है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार हिरा क्यों मुझे कि कज़ाब में डाल रही हो तुम क्यों? बट खैर कुछ देर बाद सोचने के बाद मैंने कहा चलो यार लेट्स गिव इट अ शॉट, क्या व्हाट इज़ द वर्स्ट दैट कुड हैपन। बट ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, वो नहीं पता था कि मेक और ब्रेक है, कि मतलब कुछ भी हो सकता है इससे। तो बट बहरहाल वो फिर एक आई थिंक 1 महीना पहले मैंने इनको फाइनली हाँ की, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसके बाद मैं फिर एक डिप्रेशन में, मैंने कहा अब तूने कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अब मैं ना भी नहीं कर सकता। मैंने कहा यार अब क्या करूँगा, वहाँ जाऊँगा अम्मी नहीं होंगी, हिरा नहीं होगी, मैं किससे बात करूँगा। और एक बंदे को एक अपना वो पसंद होता है ना, कंफर्ट जोन भी होता है आपके अपने घर का, कि सारा दिन काम करें लेकिन जाके जो अपने बिस्तर पे नींद आती है ना वो भी तो जो भी करते हो ना आप अपनी मर्जी से करते हो, यहाँ पे मर्जी है ही नहीं। सुबह सुबह उठ के बेड बनाना है, उठ के नाचना है आपने, सुबह सुबह उठ के कौन नाचता है सुबह सुबह उठ के। आलम तुम बताओ, तुम कैसे तमाशा तक के सफर में शामिल हुई? मुझे जर्जी सर मिले थे चैरिटी इवेंट में, तो वहाँ कुछ डिस्कशन हुई तमाशा के बारे में, ये वो। मैंने कहा रियलिटी शो बड़ा अच्छा है ये वो, तो वहाँ उन्होंने कहा कि तुम अवेलेबल हो अगस्त में। मैंने कहा हाँ अगस्त में तो बड़ा टाइम है, और ये साल पुरानी बात हो रही है जब सीज़न 2 ख़त्म हो गया। ओके ओके, अगस्त में तो अभी पूरा साल पड़ा। मैंने कहा हाँ मैं अवेलेबल हूँ। अच्छा ये हो गया। अब जैसे जैसे टाइम करीब आया तो फिर मुझे कॉल्स होना शुरू हुई, ऑफिस से टीम ने मुझे कॉन्टैक्ट करना शुरू किया। अब मैंने हाँ तो कर दी थी उस वक्त, अब मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा ओ माय गॉड ये तो मुझे कॉल्स आ रही है, मैंने उन कॉल्स को भी हाँ कर दिया। अच्छा जैसे कि इस्लाम कह रहे हैं, जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा था मुझे वो एक अजीब सी फीलिंग, डर, खौफ आ रहा। फिर मुझे मैं तेरे जाने की बात कर रही थी, 6 सिग्मा का जो भी चल रहा है यार पे, तो इरफान मलिक वी ऑल नो, सो वो मेरे मेंटोर हैं, उन्होंने हमेशा मुझे अच्छा गाइड किया है। उनसे मैं रोल डिस्कस करती हूँ कि ये करूँ ना करूँ। उनको मैंने बताया, मैंने कहा भाई ये प्रोजेक्ट ख़त्म करें, मुझे अगस्त में जाना है। 5-6 महीने पहले बता दिया था, तो मैंने कहा जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ। उन्होंने मुझे रियली पुश किया कि जाओ भाई। उन्होंने मेरे 2-3 एवर से प्रोजेक्ट भी छुटवाए। अच्छा अच्छा ये भी तो होता है, ये भी। उन्होंने लिटरली मुझे बोला, उन्होंने कहा रोल बहुत आ जाएंगे, इधर जाओ। और मैं इतनी अनडिसाइसिव थी कि सब कुछ हाँ करने के बावजूद भी एक डर लग रहा था।